ऑफ यू और डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम जो ये सीखने वाले हैं इस टॉपिक में, हम क्या सीखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडामेंटल बेस और डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे कोई हम दिया हुआ अवकल समीकरण जो है उसका ऑर्डर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस लेक्चर में हम उसी चीज़ को सीखने वाले हैं कि दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी चूँकि डिप्लोमा है या जो फिर 11th 12th में भी ये चैप्टर है ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना, कोटि और घात, तो उस सभी चीज़ों को हम समझने के लिए इस लेक्चर में छोटी छोटी पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, तो दो चीज़ें कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा स्टूडेंट्स कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम अभी तक हम पढ़ते रहे थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब यह कोई एक फलन है। फंक्शन मतलब क्या होता है आपका, फलन। ठीक है, यह एक फलन है, किसका फलन है, x का है। और मेरी बात, यह एक फलन है, किसका है, x का है। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर पहले करनी होंगी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। जैसे आप अगर होंगे तो आप अभी पेरेंट्स पे अपने डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे है कि मतलब हमारा जो है यहाँ पे, जैसे ये हम पेरेंट्स ले लेते हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या आपका है, आप क्या हैं। अभी देख लीजिए, दो चीज़ें हैं, आप अगर यदि स्टूडेंट हैं तो आप क्या हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, मतलब ये जो है आपका ना डिपेंडेंट है, और ये क्या हो गए, पेरेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वो खुद आपको मतलब खिला रहे, वो भी किसी पे होंगे बट यहां पे सिर्फ दो चीजों की बात हो रही है, आप और पेरेंट्स की। तो दो चीजें हो गई, मतलब डिपेंडेंट कौन हो गया, आप हो गए स्टूडेंट हो गए और पेरेंट्स हो गए इंडिपेंडेंट हो गए। तो सेम कंसेप्ट यहां पे, अभी देखिए ये जो x है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक, एंड ये क्या है, डिपेंडेंट है। दैट इज, समझ में आ रही बात, क्योंकि x के किसी भी मान के लिए y का मान हमें ज्ञात होगा, x का कुछ मान होगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए y के कुछ वैल्यू को निकाला जा सकता है। जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे कुछ ले लिया, तो अगर x इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री मिल गया। अगर x इक्वल टू टू ले ले तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फोर प्लस टू प्लस वन, y इज इक्वल टू सेवन। तो ये कह रहा है कि जब मतलब जो डिपेंडेंट है स्वतंत्र है, x ये y का मान किस पे निर्भर है, वो किस पे निर्भर है, x के मान पे निर्भर है। तो मतलब ये हुआ कि y जो है वो डिपेंडेंट है और x कितना आपका, x क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र परतंत्र चर एंड स्वतंत्र चर, ये दो चीज़ें होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब हो गया स्वतंत्र, स्वतंत्र चर उसको बोल सकते हैं आप, और डिपेंडेंट मतलब परतंत्र हो गया, स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से। तो बट यहाँ पे हमें बात करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो y इक्वल टू एफ एक्स यदि हम क्या करते हैं, दिस इज, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका होता है x के सापेक्ष, अवकलन करने पर, ये बातें हम हिंदी में कहे जा सकती हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी वाई अपॉन डी एक्स से, और इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये है क्या, इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रथम अवकलन, फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम बोला जाता है, कहते हैं आप फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, या फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप, या पहला जो प्रथम अवकलन कह सकते हैं आप, इस तरह से भी कह सकते हैं, ये है। तो अगर ये है तो हम इसको कहते हैं दैट इज अ फर्स्ट,
ठीक है। अगर फिर से इसको अगेन करें हम, तो फिर अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये डबल डैश हो जाएगा। इसको हम कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे भी कह सकते हो आप, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसके बारे में ये भी ऐसे बोला जा सकता है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो अब हम जो हम आगे की बात करेंगे, इसी पे बात करनी है कि जो हमारा पॉइंट है हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन है। इसी तरह यदि हम चले जाएं तो हमारा nth ऑर्डर भी निकाला जा सकता है, इसको कह सकते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये चीजें कही जा सकती हैं और बोली जा सकती हैं। तो अब हम इसी पे आगे हमें बात करनी है कि क्या करना है। अब हम बात करेंगे किस पे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। जब हम ये चीज़ समझ लेंगे तो इससे हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे उस टाइम पे इस चीज़ को समझना होगा, यही इम्पॉर्टेंट मेन मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब हम इसके डेफिनेशन पे आएंगे, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, डिग्री की डेफिनेशन क्या है और उनके कुछ प्रॉब्लम्स क्या है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोला जाता है स्टूडेंट जब उसमें डिपेंडेंट कोई भी समीकरण होगा, जब उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो उस तरह के जब उन सब का एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। मतलब उसे स्वतंत्र चर भी होना चाहिए, परतंत्र चर भी होना चाहिए और उनका अवकलन भी होना चाहिए। अगर उनका अवकलन भी प्रेजेंट है तो जब उनको मिला करके हम प्लस माइनस सिंबल के साथ लिख देंगे तो वो हमारा एक अवकल समीकरण कहलाएगा। एक सिंपल सा ये बात कहना है। तो अब हम इसको, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर उस पर बात थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आइए, ये डेफिनेशन हमने लिख ली है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँगा स्टूडेंट, उसके बाद हम आएँगे प्रॉब्लम्स पे। क्या पहला अवकल समीकरण क्या है उसके बारे में सीख लिया है कि इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब कहने का ये आपको पहले ही बता दिया मैंने कि उसमें डिफरेंशियल डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे ये हम लिख रहे हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, और सॉरी ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और उनका डिफरेंशियल भी होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो पार्शियल हो या सिंपल हो। जैसे इस तरह से लिख दिया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। या इस तरह से आप लिख सकते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव इज ऑल्सो अवेलेबल है। मतलब कहने का मतलब है कि उसमें, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्वतंत्र चर भी होना चाहिए, परतंत्र चर भी होना चाहिए और उनका अवकलन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम उसको कहेंगे कि वह अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एंड अवकल, दैट इज अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव इन्वॉल्व दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, साधारण अवकल समीकरण। ये चीज़ें हैं, इसको एक तरह से हम समझ सकते हैं कि दिए हुए समीकरण में यदि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और उससे ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उसको हम कहेंगे साधारण अवकल समीकरण। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और उनके दो तीन बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके चाइल्ड्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, फादर आपके इंडिपेंडेंट हैं बट जो चाइल्ड्स हो गया डिपेंडेंट है, मोर देन हो गया, तो उसको हम कहते हैं साधारण, जैसे साधारण परिवार, सिंपल।
तो उस तरह से ये चीज़ें हम यहाँ पे इसको कहे जा सकते हैं कि एक डिपेंडेंट होंगे और उससे मोर देन इंडिपेंडेंट होंगे आपका फैमिली, जैसे आप फैमिली से इसको रिलेट कर सकते हैं, पेरेंट्स और आप ब्रदर भाई जो भी हैं तो आप डिपेंडेंट हैं बट फादर आपके इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी और पे होंगे वो अनदर मैटर, बट सिर्फ आपके फादर और आपकी बातें हों तो उस केस में आप क्या हैं, आप डिपेंडेंट हैं और वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी चीज़ें जब मिल जाए तो उनसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का एक परतंत्र जो स्वतंत्र है, एक ही स्वतंत्र होना चाहिए और उस पर बहुत सारे ज़्यादा, बहुत एक से अधिक क्या होने चाहिए, परतंत्र होने चाहिए। तो अगर इस तरह का इक्वेशन बन जाए तो हम उसको कहेंगे साधारण। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, डिफरेंशियल कोफिशियंट आर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या, जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसके पावर वन होनी चाहिए, मेरी बात। या हम अगर सेकेंड ऑर्डर ले डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसके पावर भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके क्वाड्रेटिक हो या समथिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए उसका। तो हम ये कह सकते हैं इसके पावर जो है वन होनी चाहिए, मेरी बात। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, तो ये ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आ जाएगा। ये है आपका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कहते हैं कोटी। ये कोटी है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें कोटी निकालनी है तो हम उसके बारे में क्या बातें करें। कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, जो सबसे बड़ा अवकल होगा, अवकलन होगा, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। मुझे आ रही बात, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम कोई दिया होगा और उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा, अवकलन प्रेजेंट होगा, उसी को हम कहेंगे उसका ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लें कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा लेता हूँ डी क्यू वाई डी एक्स क्यू डी पावर फोर डी एक्स पावर फोर। मान लीजिए यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है और यहाँ पे ज़ीरो है, इस तरह से। तो अब हम ऑर्डर की बात करें तो हमें उस ऑर्डर के पावर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जो है ना वो डिफरेंशियल दिया है उसके पावर में क्या है, घात में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, जो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये क्या है सेकंड है, तो ऑर्डर कितना होगा, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू टू। यहाँ पे आइए थर्ड, ये कितना है, थर्ड ऑर्डर का है, ये क्या है फोर्थ है। इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना इससे मतलब है, याद रखिएगा ये इससे मतलब है। तो मतलब क्या हुआ, ऑर्डर कितना हो गया, फोर हो गया, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर है, जो मैक्सिमम है फोर्थ है। तो इस तरह से हो गया। अब हम इसके डिग्री की बात करेंगे, फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट इतना ही था इसका कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है और ऑर्डर वगैरह क्या है। चलिए अब हम करेंगे डिग्री, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम बात करते हैं अब डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप पावर भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोला जा सकता है। ठीक, पावर और इंडेक्स की बातें हो जाएंगी कि क्या है पावर ऑफ एन इंडेक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लिया जाए, उसके बाद इस पर हम बात कर लेते हैं। जो अवकल समीकरण है उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री मतलब ये घात, घात निकालनी है हमें, पावर्स निकालनी है, कैसे बात करेंगे इस पर। तो कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव
विच अकर्स इन इट, मतलब उस समीकरण में जो दिया हुआ अवकल समीकरण होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसके पावर, ठीक है, कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप पावर की बात हो सकती है, इंडेक्स की बात हो सकती है, समथिंग, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इज अकर्स इन इट, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के जो पावर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव के जो पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी, लेकिन उसमें कंडीशन दे दी है, कौन सी कंडीशन है ये देखिए, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल एंड रेशनल टर्म्स. रेडिकल साइन मीन्स व्हाट? रेडिकल साइन मीन्स हो गया करड़ी, ठीक है, ये चीज़ें हैं, करड़ी की बातें होती हैं, अरे इस तरह से होता है ये करड़ी, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इनके पावर्स में इस तरह से नहीं होने चाहिए, ETC ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फ्रैक्शन की बात हो गई तो इस तरह का वर्क नहीं होना चाहिए, मतलब ये है तो इसको हटाना पड़ेगा, ये वाला टर्म्स हटाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की बात हो पाएगी, तो ये चीज़ें जब आप समझ लेंगे तभी आगे बात हो पाएगी कि आगे हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमारा मोटो क्या है, तो ये चीज़ें पहले समझना है कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो सब मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वो देख निकलेंगे तो उससे ऑर्डर निकल जाएगा, और उसके पावर में जो होगा वही उसकी डिग्री होगी, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस है, इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि ये होगा फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो इससे ज़्यादा हम कुछ और आगे कर सकते हैं, तो अब इस पर हम प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, फ्री हो, स्वतंत्र हो वो करड़ी से और किससे, फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर जो है उससे स्वतंत्र हो तभी हम कहेंगे कि ऐसा हो, भिन्न या जो रेशनल नंबर है उससे स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लूँ d2y dx² 3, d3y dx³ 2, और एक हो गया d4/dx⁴ 1=0. सो व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, ये कितना है, फोर्थ है, तो ऑर्डर क्या हुआ, 4. अब कह रहा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो पावर होगी, डिग्री होगी, उसी को हम कहेंगे उसकी डिग्री, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, तो मतलब क्या, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसके पावर क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, तो फ्री फ्रॉम, तो यहाँ पे किसी के पावर ऐसा नहीं है. अब एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे 1+dy/dx, ये अंडर रूट है और इधर हो गया d2y dx² अब देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ क्या करना है, पहले देखिए ऑर्डर की बात आए अगर तो ऑर्डर में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम सबसे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, तो ऑर्डर तो हो गया 2, लेकिन अब क्या है, अब चूंकि ये करड़ी है और यहाँ पे आपको ये वर्ड दिया हुआ है कि फ्री फ्रॉम होना चाहिए, रेडिकल साइन जो है वो फ्री होना चाहिए, मतलब ऐसा करड़ी अगर कहीं क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो पहले उसको आपको हटाना होगा, उसके बाद ही आगे का वर्क हो पाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे दोनों पक्षों का, तब जाके वर्क होगा, मतलब वर्क करने पर, वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो 1+dy/dx आ जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, d2y dx² होल स्क्वायर, सो दैट केस में डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है, हो गया, तो ये चीज़ें हैं, अब इसी पे हम और क्वेश्चंस को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम और कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सुना कर लेते हैं, ये 10 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और इन्हीं के ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट करना है, तो पटापट किया जाए, आइए पहला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर एंड डिग्री एक एक क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम इजिली कर लेंगे, बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे, तो इसमें ऑर्डर कितनी है, जो हाई है डेरीवेटिव ये देख लीजिए क्या है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा,
दो हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि साइन कहीं फ्री फ्री कर्ली वगैरह है नहीं, फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए इसके पावर क्या है, वन है, तो मतलब डिग्री कितनी होगी, वन होगी, ऑर्डर एंड डिग्री वन होगी। इस वाले की बात कर लें तो इस वाले में ऑर्डर की कोई बात नहीं है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहला ये थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पे फोर्थ है, तो ऑर्डर फोर्थ हो गया। बट अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है ना, तो इसका वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के बाद इसको रिमूव करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो डी क्यू वाई दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है एक्स क्यू इज इक्वल टू वन प्लस डी पावर फोर वाई डी एक्स पावर फोर रेस पावर वन बाई टू। तो वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो डी क्यू वाई डी एक्स क्यू होल स्क्वायर वन प्लस डी पावर फोर वाई डी एक्स पावर फोर, और इसके पावर कितनी वन है, तो ये हो गया ऑर्डर इज फोर डिग्री इज वन, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब ये वाला हो गया तो ये ख़त्म, इसी तरह आप इसको कर लेंगे तो ये हो गया आपके, ये हो गया। अब इसकी बात आए तो ये भी यहाँ पे वन बाई टू वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना होगा, थ्री, ये थर्ड ऑर्डर है। उसके बाद डिग्री कितनी हो जाएगी, जब इसका वर्क कर देंगे तो मिल जाएगा टू। ये आपको करना है, दैट इज़ ट्राई टू दिस, ये स्क्वायर कर दीजिएगा। जब ये देखिए फ्रैक्शन है ना थ्री बाई टू, तो क्या करेंगे, इसको हटाना है, इस वाले पोर्शन को हटाना है, तो आप टू से चाहें तो इसके पावर में गुणा कर सकते हैं, इंटू टू इधर टू, सिंपल सा, तो हो गया ये, तो हो जाएगा। इस वाले की बात करनी है, इस वाले में भी वही काम है, देखते हैं। चौथा एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस सी वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, अंडर रूट। तो ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है, ऑर्डर हमारा मिल गया, ऑर्डर इज वन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, बट स्क्वायर करके क्योंकि कर्ली हटाना है हमें, तो एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वन प्लस, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करना होगा तभी हम डिग्री को फाइंड आउट कर पाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई डी एक्स सी स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ें हो गई वर्क करने पर। तो अब क्या मिल गया, ये देख लीजिए, तो डिग्री इज टू। तो ये कंसेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हमें करना है और ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम को करते रहना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये हो गया ठीक। अब इसकी बात है पांचवा, ये भी वही है, ये देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन की तरह ही है सेम ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना होगा, टू हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे, ये भी टू मिल जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए इसका, इस पावर क्यों है इससे कोई मतलब नहीं, जो हाईएस्ट पावर आएगा ना उसी की बात करनी है, तो हम कर लेंगे। इस छठे की बात मैं करूँगा अभी, छठा एक चीज़ यहाँ गलत हो गई है, ये ऐसे रहेगा ठीक है। तो छठा है डी क्यू वाई डी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू प्लस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब कैसे फाइंड आउट होगा, मेन मुद्दा है कैसे होगा, ये तो ऐसे कह सकते हैं कि थ्री कह लेंगे, लेकिन थ्री नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला जो है ना इंटीग्रल वाला, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो पहले हमें इसी को हटाना होगा। जब ये हम हटा पाएंगे उसी के बाद हम ऑर्डर की को डिफाइन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स जो होता है अभी आपने सबने पढ़ा है, इस तरह से होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, अगर हम करें तो इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स, इंटीग्रेशन, जस्ट इंटीग्रेशन है इस तरह से। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, उसके बाद ही हम आगे का वर्क कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों के पक्ष हम करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी रेस टू फोर अपॉन डी एक्स रेस पावर फोर, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स
सॉरी क्यू हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा क्योंकि एक और डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस ये मिल जाएगा वाई और ये मिल जाएगा कॉस एक्स। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो ये वाई मिल जाएगा। तो अब हम निकाल लेंगे वो ऑर्डर क्या है और डेरिवेटिव क्या है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी थी यहाँ पे, इसको हटाना था हमें। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो अपने आप हट जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और ये दोनों एंटी डेरिवेटिव है, तो दैट इज हियर। तो अब हम निकाल लेंगे ऑर्डर 4 डिग्री कितना 1 इसके पावर दैट इज 1। ठीक है, तो ये जो मोन इंपॉर्टेंट था वर्क, ये इसको इसके प्लेस पे इस तरह से होता है ये इंटीग्रेशन y dx, सो दैट इज y। तो ये चीज समझनी थी, जब ये समझेंगे तभी ये हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इस पॉइंट को समझने वाली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। जो चीज़ें होनी होंगी वो कर लेंगे, जो नहीं होगा नहीं करेंगे। तो 7 की बात है, सिंपल है, 3 है, पावर ऑफ 3 है, तो हमें क्या करना है अभी, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर रेस पावर 1/3 है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो ऑर्डर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ये हम निकाल लेंगे, 2 है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2। बट यहाँ पे 3 है, तो अब हम क्या करें, क्यूब कर दें या पावर्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर 1/3 इंटू 3 और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पावर ऑफ 3, तो ये गया। तो ऑर्डर डिग्री क्या होगी, अब इसके पावर भी 1 ही बचेगा, तो डिग्री दैट इज द 1। तो इस केस में भी हमारा डिग्री क्या मिला, 1 मिला, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक, अब इस पे 8, अब ये 8 नंबर 1 प्लस डी क्यू वाई डी एक्स क्यू पावर 1/4 डी एस पावर 4 वाई डी एक्स के पावर 4 रेस पावर 1/3। अब प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, क्योंकि है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है, एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 3 का और ये होता है 12। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब इन्हीं को 12 का इनके पावर्स में गुणा मल्टीपल कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। 1 प्लस डी क्यू वाई डी एक्स क्यू के पावर 1/4 इंटू 12 इज इक्वल टू डी पावर 4 डी एक्स पावर 4 1/3 इंटू 12। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो आप देख लीजिए ऑर्डर 4 डिग्री 4, ये दोनों चीज़ें मिल गई यहाँ पे, ऑर्डर भी 4 डिग्री भी 4, ये हो गया। तो ये थोड़ा लॉजिक डिफरेंट था, बट ये ऐसा कंसेप्ट यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी स्टूडेंट, हमें कहाँ कौन सा चीज़ें हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन और रेडिकल साइन या जो आपका फ्रैक्शन है उसको हटाना है। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम डिग्री के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर के बारे में बात कर लेंगे लेकिन डिग्री के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें आपको समझानी थी, ये कहनी थी कि डिग्री को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कि कुछ जो वहाँ पे रेडिकल साइन है, कर्ड़ी है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, उन सबको हटा देना है उनके पावर्स में, फिर उसके बाद डिग्री पे वर्क करना है। ठीक है, चलिए इस वाले में तो सिंपल दिख रहा है, बट हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना है 4, डिग्री कितनी है 1, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा ये देख लीजिए, ये हटाना है हमें, क्योंकि कर्ली जब तक हटाएंगे नहीं तब तक डिग्री की बात नहीं हो पाएगी। ऑर्डर इज 1, नो प्रॉब्लम, बट डिग्री की बात है तो कर्ली को हटाना पड़ेगा। कर्ली जब हटा लेंगे तभी वर्क होगा, तो क्या करेंगे, वर्क कर दीजिएगा। जब वर्क कर लेंगे तो इसकी डिग्री बन जाएगी 4 आएगी, याद रखिएगा। वर्क करिएगा फिर स्क्वायर कर दीजिएगा ओपन करने, तो फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री के प्रॉब्लम्स होंगे। ये थोड़ा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बट आपको समझना है तो सारे टॉपिक्स को, क्वेश्चन को 1/1 बारीक से समझना होगा ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में।
तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अपने लेवल से जितना हो सका है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।